सबसे प्यारे सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, जिनके वास्ते सारी कायनात को खल्क किया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बड़े अच्छे अंदाज से अपने इस ट्रेनिंग सेशन को आप सब लोग लेके चल रहे होंगे। ज़ाहिर हमारी ट्रेनिंग इस वक्त तकरीबन अपने आखिरी मराहिल की तरफ है। आज का जो टॉपिक है, मैं उससे पहले थोड़ी सी बातचीत आपसे करना चाह रहा था, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ कि कैलीग्राफी या खुशखती ये एक इंसान की पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। जब आप पर्सनैलिटी को रीड करते हैं, पढ़ते हैं या पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं, तो उसमें जो आपकी लिखाई है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो यकीन जाने बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं, बड़ा उनके पास नॉलेज भी होता है, लेकिन जब वो दो लाइनें लिखने बैठते हैं तो साथ ही बहुत बड़े लेवल पे इंप्रेशन जो लूज कर देते हैं। तो जब आप कुछ देखते हैं उनकी राइटिंग, उनकी लिखी हुई कोई चीज देखते हैं, तो आप फौरी तौर पर आपके दिमाग में उनके लिए जो है एक जो इमेज बना होता है वो डाउन होता है, या अगर पहले से इमेज नहीं है तो अगर फर्स्ट इंप्रेशन है तो वो लूज कर देता है। मैं अपने अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो मैंने बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसे देखा है, जाहिर है मुझे 23-24 साल हो गए हैं एजुकेशन से वाबस्ता, तो बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज करने का मौका मिला है। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं किए कि जब मैंने उनकी हैंड राइटिंग देखी है, कि मैंने बोला ओके उर्दू इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख के दें, तो जब उनकी हैंड राइटिंग देखी है तो मैंने देखा कि ये जो पर्सन है ये तो डेफिनेटली क्लास में नहीं जाना चाहिए, कि जिस पर्सन की अपनी ये हैंड राइटिंग है उर्दू में इंग्लिश में, तो जाके क्या बच्चों को सिखाएगा ना, तो ये तो बच्चों के साथ जाती है। तो सो इस बेस पे मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया ना, और अगर किसी पर्सन की हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है, मैं अपनी जो कि आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे सामने जब किसी टीचर का सीवी है साथ एप्लीकेशन आई है, तो एप्लीकेशन को देख के मेरा 50% माइंड हो जाता था कहने की जिस पर्सन की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है तो डेफिनेटली उसमें और भी क्वालिटीज होंगी। तो एक फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा ही जानदार जाता है। मैंने ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया तो मुझे नहीं याद पड़ता कि जिसकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी हो और उसको मैंने इंटरव्यू में रिजेक्ट किया हो, या दीगर हमारे बहुत सारे दिन दोस्तों से मेरा रब्ता आज तक है, जो भी इंटरव्यू लेते रहे हैं, जो भी जाहिर है मेरा इट्स माय जॉब के मैं बहुत सारे अपनी फील्ड के सीनियर लोगों से मिलता हूँ, जब मेरा उनसे ये भी सवाल होता है तो वो भी ये बात बताते हैं मोस्टली कि जिन लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी होती है वो डेफिनेटली सिलेक्टेड लिस्ट में आते हैं। तो इसी तरीके से ओवरऑल भी आप चले जाए किसी भी फील्ड में, किसी भी मुकाम पे, किसी भी हवाले से, तो कहीं पे भी आप हों, अच्छी हैंड राइटिंग वाले जो पर्सन है उनको लाइक किया जाता है, और जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती वो वैसे पहले तो लिख नहीं रहे होते, आप लिख लो यार, वो लिखने की तरफ जा ही नहीं होते, और अगर वो चले जाए तो फिर समझ लेंगे बस वही वाली बात है। तो मकसद कहने के कि खुशकती जिन लोगों की है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बड़ी होती है, रिस्पेक्ट बड़ी होती है। यकीन जाने अगर आप 20-25 लोग बैठे हुए हैं तो जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग होती है उसी की तरफ सब लोग रेफर करते हैं, सर प्लीज भाई प्लीज आप ही लिखें, आपकी माशाल्लाह हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है, बड़े खुशकत हो। तो अगर आप टीचिंग के जॉब में हैं, आप एज ए टीचर हैं, तो फिर तो आप स्कूल के अंदर आप पहले बाकी टीचर्स के दरमियान आप बोलेंगे कि जी आप एक और ही मखलूक है ना, कि जी फलानी टीचर की हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है, जी वो बड़ी अच्छी कैलीग्राफर है, बड़ी अच्छी खुशखतात है वो, तो उसकी एक वैल्यू होती है। पर्सनली जाहिर बहुत सारे स्कूलों का विजिट करता हूँ, तो जब हम किसी को मैनेजमेंट के तौर पर भी लेना चाह रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसकी हैंड राइटिंग की क्या पोजीशन है ना। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी होती है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, वो ज्यादा आगे बढ़ते हैं, उनको लोग ज्यादा आगे की तरफ लेके आते हैं, उनको लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो इट्स मीन कि अच्छी हैंड राइटिंग भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज का डोर ओपन करती है। तो हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे उस्ताज़ इकराम जिनकी बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। और हैंड राइटिंग एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। अगर आपके माइंड में ये बात बैठी होगी कि नहीं जी बस मैं बचपन से ऐसे लिखता था तो अब जवान हो गया हूं तो मैं अब तो लिख नहीं सकता, मेरी हैंड राइटिंग ठीक नहीं, उसके इट्स अ स्किल और जिसे सीखा जा सकता है। तो अगर अभी भी आप सोचेंगे कि मैंने इसको ठीक करना है, यू कैन डू, और एज ए टीचर आपके लिए लाजमी चीज है। क्या बेशुमार टीचर उसमें लिख के भेजती है कि बेटा आपकी लिखाई ठीक नहीं है, तो बच्चा कह रहा होता है मिस आपने क्या लिखा, पढ़ा नहीं जा रहा ना।
टीचर की रिस्पेक्ट के लिए, टीचर के ऑनर के लिए, टीचर की टीचर का ग्रेट टीचर बनने के लिए, इंस्पायरिंग टीचर बनने के लिए उसकी अपनी हैंड राइटिंग का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो चूंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हैंड राइटिंग पे ही है, वो कैलीग्राफी पे ही है, मेरे लिए बड़े ऑनरेबल हैं, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि अभी जो लेक्चर आप लोग सुनने जा रहे हैं वो मेरे उस आजे मोहतरम है, मैंने उनसे बकायदा पढ़ा है ना। आप कह लें कि मैं 9th 10th उनके पास पढ़ता रहा हूँ, फिर मैं खुद भी कैलीग्राफर अच्छी मेरी हैंड राइटिंग है तो वो भी मैंने उन्हीं से सीखी हुई है। प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने बहुत सारी बातें भी अपने इस इन उस्ताद मोहतरम से सीखी हैं। तो अभी इंशाल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम को आप सुनेंगे, उनको देखेंगे, जो बड़े अच्छे कैलीग्राफर और कैलीग्राफी को एक मिशन के तौर पे लेके चल रहे हैं ना, उनके जहन में होता है कि हाँ जी एक मिशन है, हालांकि बड़े बिजीएस्ट पर्सन है वो, लेकिन कैलीग्राफी को लेके बड़ा टाइम देते हैं, वो लोगों को बड़ा टाइम देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो बेशुमार स्कूल, बेशुमार इदारों में जाकर उन्होंने ट्रेनिंग दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, अल्लाह बड़ा नवाजा उनको। लेकिन उनका ये पैशन है कि जी लोगों की हैंड राइटिंग, बच्चों की हैंड राइटिंग, टीचर्स की हैंड राइटिंग ठीक होनी चाहिए। हजारों की तादाद में टीचर्स को ट्रेन कर चुके हैं और कैलीग्राफी से बढ़कर आगे तो मजीद वो आर्टिस्ट की तरफ भी उस तरीके से जा रहे हैं कि जिस पर आप कह लें कि बड़े अच्छे उन्होंने डिजाइनिंग के साथ भी बहुत सारी भी आपको हमारे जो कंपोजर हैं वो भी सात चीजें थोड़ी शो करेंगे। तो आपके लिए ग्रेट वो ना सिर्फ इंस्पायरिंग ग्रेट टीचर हैं, उसके साथ साथ वो एक अच्छे खताब भी हैं। और जैसे मैंने बोला कि इंस्पायरिंग या ग्रेट टीचर की क्वालिटीज में से क्वालिटी होती है कि उसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो भरपूर क्लैपिंग के साथ, भरपूर दुआओं के साथ मेरे उस्ताद मोहतरम आए, इंशाल्लाह आप लोगों को इस ट्रेनिंग के वाले से, कैलीग्राफी के वाले से कुछ चीजें बेसिक टिप्स बताएंगे। जाहिर है कि अभी आपके साथ सारी वीडियोस उस तरीके से शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन क्या है कि बेसिक वीडियोस अभी आपके साथ शेयर हो जाएंगे जिनको आप देखेंगे, और बाकी वाली वीडियो भी इसी तरीके से उन्हीं के चैनल पे जाके आप सारा उसको स्टडी कर सकते हैं। अल को कैसे लिखना है, बे को कैसे लिखना है, ये को कैसे लिखना है, वो सारे के सारे आपने एक शौक के साथ, जज्बे के साथ आपने उस सारी वीडियोस को देखना है और अपनी हैंड राइटिंग ठीक करने की कोशिश करनी। टेस्ट के अंदर बकायदा इसका पार्ट होगा, बेशक हम आपसे सिर्फ अल्फाबेट से लिखवा लें या कुछ सेंटेंस आपको दें तो वो उसी तरीके से उसको भी बकायदा चेक किया जाएगा, क्योंकि हमारा ये मिशन, हमारा ये स्लोगन है कि जी बच्चे, हमारा हर बच्चा जो भी हमारे जेर तालीम है हमारे इदारों में उसकी हैंड राइटिंग बेहतरीन होनी चाहिए। आप सबकी भरपूर क्लबिंग में मेरे टीचर, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मोहतरम इम्तियाज अहमद शाहीन साहब।